नमस्कार, पापा मम्मी किचन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी लच्छेदार मटरी बनाना बताऊंगी जो चाय के साथ एकदम परफेक्ट रहेगी। इस तरह की मटरी ज़्यादातर लोग मार्केट से ही खरीद के लेके आते हैं। मार्केट की मटरी होती है वो काला तेल हो जाता है, उसके बाद में भी उसको यूज़ करते रहते हैं, जो अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आइए वही मटरी हम घर में आसानी से बना करके तैयार करते हैं। मटरी बनाने के लिए हमने एक कप मैदा लिया है, ये वजन में लगभग 125 ग्राम है। आप मैदे की जगह आटा भी ले सकते हैं, जो कि हम रोटी बना करके तैयार करते हैं वो वाला आटा लेकर के आप बना सकते हैं। इसको हम एक बाउल में ले लेते हैं। अभी इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा या कम डाल सकते हैं, पर जब मटरी बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा नमक कम होता है तो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। 1/4 चम्मच ही हम इसमें अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन को हाथ में इस तरह से लेकर के थोड़ा मसल के डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आएगा। 1/4 चम्मच इसमें हम जीरा डाल देते हैं। जीरा भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और 1/4 चम्मच हम काली मिर्ची डाल देते हैं, ये दरदरी पिसी हुई काली मिर्ची है। अभी मॉइंट के लिए हम इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल देते हैं। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, तेल में भी उतनी अच्छी बनती है। आप ये ध्यान रखें कि जो स्ट्रांग फ्लेवर वाला तेल है वो इसमें नहीं डाले, जैसे कि सरसों का तेल होगा तो उससे निमकी अच्छी नहीं लगेगी। मोइन डालने से क्या है, ये मटरी हमारी खस्ता बन के तैयार होगी। मटरी खस्ता होती है तभी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरह की मटरी बना करके आप कभी भी डब्बा भर के घर में रख दें, सुबह की चाय के साथ या दोपहर की चाय के साथ आराम से लेकर खा सकते हैं। अभी मैं बता देती हूँ, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है, मोइन सब जगह लग जाना चाहिए। अच्छा, सब जगह मोइन लग जाता है फिर मटरी अच्छी बन के तैयार होती है। देखिए अच्छे से मोइन सब जगह लग गए हैं। अब इस तरह से हाथ में आप बना करके देख लें, देखिए मोइन बराबर लग रहा है इसमें, ऐसा मोइन लग जाना चाहिए। इस समय मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने घी डाला है या आप तेल भी डालें तो एकदम ज़्यादा नहीं डालें, ज़्यादा डालेंगे तो मटरी एकदम से फटने लग जाएगी, बहुत ही ज़्यादा वो क्रिस्पी बन जाएगी, और कम डालेंगे तो ज़्यादा कड़क बन जाएगी मटरी। तो जो हमने नाप बताया उसी नाप से आप तैयार करें। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि मोइन डाला हुआ है इसमें, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसका टाइट आटा गूंद के तैयार करें। इतना आटा गूंदने में लगभग हमारे 3 टेबल स्पून पानी लगाएं। आटा हमारा अच्छा टाइट गूंद के तैयार हो गया, देखिए अच्छा टाइट आटा गूंद के हमने तैयार किया है। अभी ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। आटा को रखे हुए हमारे को 5 मिनट हो गया है, अभी इसको आपस चेक कर लेते हैं। देखिए आटा अभी हमारा सॉफ्ट हो गया, जैसे रखा था इसे काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है आटा। अभी इसको एक बार गूंद लेते हैं, बहुत ही अच्छा लोई इसका बन के तैयार हो गया। देखिए अभी इसको हम प्लेटफॉर्म पर ले लेते हैं। अभी आटे को एक बार वापस गूंद लेते हैं इधर, और अभी इसको हम रोल कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि मैं पतला पतला बेलना पड़ेगा इसलिए इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। और इसको एक साइड में रख देते हैं आधे पार्ट को, और आधे पार्ट का हम अच्छे से लोई बना लेते हैं वापस। अभी इसको हम पतला पतला बेलेंगे। ये आटा हमने बहुत टाइट गूंद के तैयार किया है, इसलिए इसके ऊपर हमारे को कोई तरह का आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हम बेल पा रहे हैं इसको। इस तरह से टाइट आटा गूंद के ही तैयार करें आप कभी, तो आपकी मटरी बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगी। इसको बहुत पतला बेल के तैयार करना हमारे को, जितना पतला बेलेंगे उसके अंदर लेयर्स अच्छी आएगी और बहुत ही खस्ता बनेगी ये। आप देख पा रहे हैं हमने इतना पतला बेल दिया इसको, नीचे के बोर्ड की सफ़ेदी है वो भी दिख रही है। इसको ज़रूरी नहीं आप गोली बेलें, आप कैसे भी बेल दें इसको, पर पतला अच्छा बेल के तैयार करें। इसमें देखे जो मसाले हमने डाले हैं दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी इस पे लगाने के लिए हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1 टेबल स्पून हमने मैदा लिया है। यदि आप आटे से बनाते हैं मटरी तो आप आटा लेकर के उसका पेस्ट बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने मैदा लिया है, इसीलिए हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इस तरह से पेस्ट हमने बना के तैयार कर लिया है, आप देख पा रहे हैं। ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है पेस्ट, जिस तरह से कंडेंस मिल्क की कंसिस्टेंसी होती है उसी तरह की रखने का आपको। ये अभी हमने 1 टेबल स्पून का बना के तैयार किया है, यदि कम पड़ेगा तो आप और बना सकते हैं। इसमें रेशियो आपको 1:1 का रखना है, मतलब 1 टेबल स्पून आप मैदा लेते हैं तो 1 टेबल स्पून आपको तेल या घी लेना है। अभी इस पेस्ट को हम इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे और हाथ से इसके ऊपर हम फैला देंगे। हाथ से फैलाते हैं ताकि आराम से सब जगह बराबर लग जाता है। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी आदत हमेशा हाथ से फैलाने की है, तो हम इसलिए हाथ से फैला करके इसे आराम से तैयार कर लेते हैं। अब सब जगह हमने पेस्ट को अच्छे से लगा दिया है, भी इसको हम गोल गोल इधर से समेटना चालू कर देंगे। बहुत पतला पतला और टाइट करना है हमारे को, टाइट टाइट रोल करना है इसको।
टाइट टाइट रोल करके इसको एक बार इस तरह से घुमा दें, जिससे इसके अंदर हवा के जो भी गैप रह गए हो तो वो निकल जाएंगे। ये हमने अच्छे से रोल कर दिया इसको, अब इसके साइड से जो है निकाल देते हैं, क्योंकि इधर का ज़्यादा पतला हो जाता है इसलिए इसको निकाल देते हैं। और अभी इसके छोटे छोटे हम काट लेंगे, छोटा छोटा लोई होता है ना उसी तरह का मटरी हमारे को छोटी छोटी बना के तैयार करनी, एक ही साइज़ की मटरी बन के तैयार होगी इससे। इस तरह से हमारे लोया बन गए। अभी सबको हम फैला देते हैं इधर ऐसे, और एक साथ में हम दबा देंगे जिससे काम हमारा फटाफट हो जाएगा। मटरी का जल्दी काम करना हो तो इस तरह से फैला दे फटाफट, और इसके ऊपर ऐसे दबा दे हल्का हल्का, ये अपने लोई फटाफट बन जाएंगे, इससे काम फटाफट हो जाएगा। कि मिट्टी बनाने में वैसे बहुत टाइम लगता है, इससे टाइम नहीं लगेगा, ये फटाफट तैयार हो गए। देखिए लोई भी सब लोई बन के तैयार हो गई। अभी इसको हम एक साइड में रख देंगे, एक को भी हम बेल लेते हैं, इसको अच्छा पतला बेल के तैयार करना हमारे को। पतली मटरी बेलते हैं तो क्या है, इसका लच्छे अच्छे भी खुले हुए लगते हैं और एकदम पतली पतली सिक भी अच्छी आती है, फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छी सिक के तैयार होती है। देखिए बहुत ही पतली हमने बेल लिया इसे, देखिए मेरी अंगुली भी इसके अंदर दिखेगी आपको, बहुत पतली बेली हुई है। इस पॉइंट पे आपको लगे कि अभी मेरा चिपक रहा है, इसका मतलब आपके पानी ज़्यादा रह गया इसमें, इसलिए पानी कम से कम डाल करके आप बनाएं। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो पेस्ट हमने बना के रखा है वो इस पे लगा देते हैं, हल्का हल्का लगाएंगे बस, बहुत थोड़ा थोड़ा, और इसको इस तरह से लगा देंगे इसको। अभी इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऐसे लगाएंगे, सब जगह लग जाना चाहिए, इससे मटरी हमारी बहुत अच्छी खुलेगी। और इसको हल्का सा दबा देते हैं, आप चाहे तो इसे हल्का सा बेल भी सकते हैं, इसे हल्का सा बेलना, ज़्यादा हमारे को नहीं बेलना, हल्का सा ऐसे बेल लेते हैं। बेलने से क्या है, अंदर से अच्छे से थोड़ा चिपक जाएगा, जिससे फ्राई करने के समय खुलेगा नहीं। अभी इसके ऊपर हम कांटे से थोड़ा होल कर देते हैं, इससे भी ये खुलेगा नहीं, दोनों साइड से ऐसे होल कर देते हैं। ये बहुत ही सुंदर छोटी सी बन के तैयार हुई है। इस तरह से मैं एक और बना के बताती हूँ आपको। सभी मटरी हमने बना करके तैयार कर ली है, हमने इतना पतला बेला है इसको कि एक कप आटे में हमारे 40 मटरी बनके तैयार हो गई है। अभी इन्हें हम फ्राई कर लेंगे, तेल भी गर्म हो गया है, एक एक करके इसके अंदर मटरी डाल देते हैं। आप ध्यान रखें तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आप देख पा रहे हैं हमने मीडियम आँच में तेल को गर्म किया है, ज़्यादा बबल्स नहीं आ रहे हैं। आप इन्हें हल्की आँच में ही फ्राई करें कभी भी। अभी मीडियम में हम डाल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में जैसे ये ऊपर आएंगे हल्के होके तो उसके बाद में हम आँच को स्लो और मीडियम के बीच में कर देंगे। अभी धीरे धीरे ऊपर आने लग गए हैं, आँच को हम स्लो और मीडियम के बीच में कर देते हैं, और उस उतना ही मटरी डाला है इसके अंदर जितना कि इसमें आ सकता है, तो आराम से मटरी को फूलने की जगह मिलती है। आप देख पा रहे हैं मटरी के देखो लच्छे आराम से खुलने लग गए हैं, बहुत ही सुंदर मटरी बन के तैयार हुई। अभी इस मटरी को हम पलट देंगे, धीरे धीरे इसको पलटते हैं एकदम, देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है। इसके अंदर मॉइन बराबर डालते हैं और जो पेस्ट हमने लगाया वो बराबर लगाते हैं तो मटरी बड़ी खिलखिली बन के तैयार होती है, बहुत ही सुंदर दिख रही है मटरी। घर में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हम अच्छा से अच्छी चीज़ यूज़ करके बनाते हैं, तेल भी हमारे पसंद का जो लेता लेकर बनाते हैं, फ्रेश तेल लेकर बनाते हैं। मार्केट वाले तो क्या तेल काला भी हो जाता है फिर भी उसके अंदर फ्राई करते रहते हैं, तो हाइजीनिक नहीं होता है और वो सेहत के लिए ख़राब होता है उसे। जबकि आपने देखा घर पर बनाने का कितना आसान है, समय ज़्यादा नहीं लगता है, आराम से बन के तैयार हो जाता है। इस समय में बाहर की चीज़ें खाना अच्छा नहीं है, तो बाहर की चीज़ें बच्चों को अब खुद को भी नहीं खाना चाहिए, बच्चों को भी नहीं खिलाना चाहिए और खुद भी नहीं खाना चाहिए। मटरी की लेयर देखिए आप कितनी खुली खुली दिख रही है इसमें, देखिए अच्छी खुली खुली लेयर बनी है इसकी, ऐसे बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है मटरी। आप देख पा रहे हैं मटरी का अच्छा कलर आ गया है, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, एकदम बहुत सुंदर कलर आ गया है इसको। और इसके अंदर बबल्स देख के आप आना भी ख़त्म हो गए, बबल्स मतलब अच्छे से पक गई है, जब पूरी अच्छे पक जाती है तो इसके बबल्स आना ख़त्म हो जाते हैं। मटरी हमारी अच्छी फ्राई होकर तैयार हो गई है, आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब ध्यान रखें कि ज़्यादा थोड़ा और पकाएंगे आप तो उसका ज़्यादा कलर आ जाए, क्योंकि पकी हुई मटरी है ना बहुत जल्दी कलर पकड़ लेती है, तो इसको आपको एक बार डालने के बाद फिर स्लो और मीडियम आँच में इसे फ्राई करना। इस तरह से मैं आपको एक और बैच फ्राई करके दिखा देती हूँ। आप देख पा रहे हैं मटरी देख के डालते ही एकदम से सब इसके लच्छे खिलने लग गए, देखिए सारी मटरी के लच्छे एकदम से फ्लावर के जैसे खिलने लगे। सभी मटरी को फ्राई करके हमने तैयार कर लिया है,
आप देख पा रहे हैं कितनी खिली खिली मटरी बन के तैयार हुई है। देखिए इसके हर एक परत अच्छी खिली खिली बन के तैयार हुई है। कोई भी मटरी देख लीजिए, एक मटरी आपको दिखाती हूँ, इसने ज़्यादा तेल भी अब्जॉर्ब नहीं किया है। देखिए एक मटरी उखाड़ दिखाती हूँ, ये हमने टिशू पेपर लिया है, इसके ऊपर इस तरह से लगाते हैं, देखिए बिल्कुल भी तेल नहीं लग रहा है। इसी का साइज इसकी हर एक परत है और बहुत ही खिली खिली बन के तैयार। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए आराम से आवाज़ सुना आपने, देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है इसकी। और सब परतें देखिए बहुत ही पतली पतली बन के तैयार हुई है। हमने बहुत पतला बेल के तैयार किया था, ये चारों परत इसकी देखिए बहुत ही पतली निकली है और खस्ता तो बहुत ही बनी है। ये हाथ में इसको लेकर के इस तरह से तोड़ेंगे ना, देख पूरा चूरा हो गया मटरी। देख इस तरह की मटरी मुँह में जाते ही घुस जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। दोपहर की चाय के साथ या सुबह की चाय के साथ देख के बैठते हैं, खाने का मजा आएगा। बाजार में जो मटरी मिलती है उससे बहुत ही खस्ता मटरी है। इस तरह की मटरी आप एक बार बनाएंगे घर पे, कभी भी मार्केट से नहीं खरीदेंगे आप मटरी। तो इस तरह की मटरी बना करके यदि आप लीक टाइट डब्बे में भर के रखेंगे तो महीने भर भी ख़राब नहीं होती है। तो आपको हमारे मटरी की रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।